Money for all people, the fastest growing channel. या दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं डेली बेसिस में आपके हितों ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट लेकर के हाजिर होता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन सभी वेबसाइट के बारे में आपको टाइम टू टाइम इंटीमेट करता रहूं। अगर उसमें कोई चेंजेस आती है या उसमें मैं पे आउट लेता हूं, तो मैं पेमेंट प्रूफ भी आपके साथ शेयर करता हूं। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी एक दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी ई कॉइन ऑफिशियल की, इसमें मैंने 5000 ई कॉइन्स का जो है पेमेंट प्रूफ आपको चेक कराया। मैंने यहाँ से विड्रॉल लिया और उसको वॉम्बिट में लिया, और वॉम्बिट से मैंने ट्रांसफ़र किया अपने प्रोबिट एक्सचेंज पे। अब मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की और सब्सक्राइबर की फरमाइश थी कि सर, हम अपने प्रोबिट.com से अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें इन ई कॉइन्स को। तो दोस्तों, आज की मेरी वेबसाइट जो है इसी मतलब है, इसी टॉपिक पर है कि मैंने आपको प्रॉबिट अकाउंट से, प्रॉबिट एक्सचेंज से पे आउट लेकर के दिखाना है इस वीडियो में अपने पेयर के अकाउंट में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो का एक छोटे से छोटा स्टेप भी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको ये सारे जो है कन्फ्यूजन रहेगी, आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको इसमें जो है तकरीबन $47 का जो है पे आउट ले करके दिखाऊंगा, $46-$47 का पे आउट ई कॉइन को मैं कन्वर्ट करूंगा USDT में, और वहां से उसे पे आउट लूँगा अपने पेयर के अकाउंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अगर आपको एक दफ़ा देखने में समझ ना आए तो इस वीडियो को दो दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये सारे स्टेप समझने के का। क्योंकि आप सब ने जो भी ऑनलाइन अर्निंग करने का ख्वाब रखता है, उसको ये कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा, और ये अगर आपको स्टेप आते होंगे तो आपकी इनकम को कोई भी नहीं रोक सकेगा इंशाल्लाह ताला। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसका कोई भी हिस्सा स्किप ना कीजिएगा। और मेरे वो दोस्त जो मेरे इस वीडियो इस चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल मनी फॉर ऑल पीपल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल मनी फॉर ऑल पीपल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, अब मेरे पास ये देखिए प्रॉफिट अकाउंट में यहाँ पर ई कॉइन $45.61 के पड़े हुए हैं। मैंने कुछ इसमें जो हैं उनको USDT में उनको जो है कन्वर्ट कर लिया ई कॉइन को। यहाँ पे अभी मैंने $15 के जो हैं मैंने USDT में कन्वर्ट किए थे, और यहाँ से मैंने जो है 12 USD जो है मैंने पीयर के अकाउंट में इनका विड्रॉल लिया। दोस्तों, वो मैं सारी आपको हिस्ट्री अभी चेक करा दूँगा, मैं वही प्रोसेस दोबारा आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अब मेरे पास ये देखिए $45.61 के यहाँ पे पड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं यहाँ ट्रेड पे क्लिक करूँगा, ये देखिए ट्रेड में इसका ई कॉइन का जो पेयर है USDT में अवेलेबल है, तो मैं इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ USDT में। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो दोस्तों मैंने जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया तो एक नया पेज बना। अब ये देखिए लास्ट प्राइस जो इसकी आई है 0.004 है, और हाई प्राइस इसकी जो आई है 0.00409 है। तो इस वक्त मैं इसको सेल कर देता हूँ, इसका अच्छी प्राइस आ रही है। 100% मैं कहता हूँ जी, मैं सारी अमाउंट लगा देता हूँ जितनी मेरे पास है, वो $45.61 है। तो मैंने कहा है ई कॉइन से मुझे ये USDT में दे दो 00404 के हिसाब से। तो ये इसकी लास्ट प्राइस यहाँ से हमें नज़र आ रही है, मैं सेल का बटन प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा ऑर्डर सबमिटेड हो गया है, ऑर्डर लग गया है। अब अगर ये मेरा ये ट्रेड कंप्लीट होगी तो मुझे जो है यहाँ पर
फौरी तौर पे पता चल जाएगा। ये देखिए मैंने अमाउंट 11,299 जो हैं ई कॉइन्स को मैंने सेल के लिए लगा दिया है और लिमिट लगाई है 0.00404 पर सेल के लिए, ये ओपन ऑर्डर लग चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे पास यहाँ पर मैंने अपने सभी जितने भी ई कॉइन्स थे मैंने उनको एक्सचेंज कर लिया। देख लीजिए मेरे वो USDT में चेंज हो गए। अब मेरे पास टोटल है यहाँ $47.76। मैं इनका अगर विड्रा लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ विड्रा पे क्लिक करूँगा। ये कह रहा है सिलेक्ट ब्लॉकचेन टाइप ERC20 वॉलेट। अब यहाँ पे विड्रा एड्रेस देना है जहाँ मुझे ये चाहिए। तो दोस्तों ERC20 वॉलेट, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने आना है, USDT डिपॉज़िट एड्रेस आपको चाहिए, आपने यहाँ पे डिपॉज़िट पे क्लिक करना है। और ये देखिए दोस्तों आपका ई खुशकिस्मती से आपका ERC20 आपको पेयर के अंदर ही मिल जाता है। ये आपने यहाँ से कॉपी करना है, ये कॉपी हो गया। आपने अपने प्रॉबिट पे वापस आना है और ये आपने यहाँ पे लिख देना है 5F63C। तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लीजिए, तो आप इसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लीजिए 5F63C। तो ये दोस्तों आप वापस आइए इस पे, और कितना आपने ट्रांसफ़र करना है 47.76, ये आप पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कीजिए, विड्रा अमाउंट यहाँ लिख दीजिए। ये देखिए 47.760705 USDT, ये टोटल आपके ट्रांसफ़र होंगे $47.76। तो दोस्तों वो कह रहा है $1.50 में फ़ीस काटूंगा और आपको मिलेंगे, यू विल गेट 46.260705 USDT। मैं विड्रा USDT पे क्लिक कर दूंगा। मैंने इस पे डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, मैं ईमेल पे भी ये मुझे भेजेगा और मेरे मोबाइल पे भी मुझे ये भेजेगा। मैं ये दोनों प्रोसीजर जो है इसको यस करके फिर इसे सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये प्रोबिट की तरफ से मुझे ये ईमेल आई हुई है और कह रहा है 47.76 USD का जो है आपका पे आउट की रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे इसको ये कॉपी करूँगा और वापस यहाँ आकर ये कोड मैंने यहाँ पे दे देना है और सबमिट कर देना है। ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से ये मोबाइल का मेरे से पूछेगा, मैंने इसको करना है और इसने मुझे कह दिया कि मैंने जो है कोड आपको सेंड कर दिया है। अब दोस्तों ये देखिए, ये मैंने दोनों अप्रूव करके जो है वेरीफाई कर दी। अब मेरा बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे देखिए 0-0 हो गया। अब मैं वॉलेट में अपने जाके चेक कर लेता हूँ। ये देखिए वॉलेट में जाके, तो ये अभी यहाँ से जो है ये कटा नहीं है, अभी तक यहीं पे ही है। तो ये यहाँ पे चंद सेकंड के बाद ये जो है मुझे वेट करने के बाद मैं देखूंगा कि ये मुझे मेरे पेयर के अकाउंट में मिले हैं या नहीं मिले, तो ये यहाँ पे इसे शो कर देगा। इसके लिए दोस्तों चंद सेकंड का टाइम जो है वो लगता होता है, तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ चंद सेकंड के लिए पॉज करता हूँ और जैसे ही ये मेरे यहाँ अकाउंट में आते हैं मैं दोबारा आपको आ करके चेक करा देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैंने आ करके अपने पेयर के अकाउंट को, दोस्तों इस पे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, तो मैंने आ करके यहाँ पे इसे रिफ़्रेश करके देखा। जैसे ही मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो ये मेरे पास $46.26 मेरे पास USDT में आ चुके। अब दोस्तों मैंने इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे डॉलर में, ये मेरे पास USDT हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ ट्रेड पे क्लिक करूँगा। दोस्तों ये स्टेप्स गौर से देख लीजिए, अगर आपको एक दफ़ा देखने पे समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो को 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको ये स्टेप्स समझ आ जाएं। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है टेदर USDT, ये देखिए, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, पेयर USD में। और यहाँ पर आइए, आपने सेल करना है, सेल के बटन पे क्लिक कीजिए। कितनी अमाउंट है वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। यहाँ सेल करना है 46.26 और कहता है
आई गेट 46-26 पूरा पूरा मिलेगा आपको यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखिए मैंने 46.26 और ये 1 USDT इसकी प्राइस है पर USDT की, और यहाँ पे भी मैंने उसने कह दिया कि गेट भी आप इतना ही करोगे और मैंने सेल का बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने ज़रूरी है कि पहले ये USDT टीथर और से पेयर USDT रखा हो, और दोस्तों आप सेल का बटन दबा दें। जैसे ही आप सेल का बटन दबाएंगे ये देखिए सक्सेस हो गया, कहता है 46.26 USDT ये कन्वर्ट हो गए 46.26 USD में। हम बैलेंस में जाके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे $61 हो चुके, क्योंकि $15 और कुछ सेंट पहले से मौजूद थे, अब मेरे ये सीधे सीधे USD में कन्वर्ट हो गए। यहाँ USDT से ये सीधे डॉलर में कन्वर्ट हो गए। दोस्तों मेरा समझाने का तरीका, मैं स्लोली इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया को देखा है और ऑनलाइन अर्निंग का ख्वाब उन्होंने अपने आँखों में समाया है। दोस्तों इस वजह से मैं आराम आराम से बोल के और आराम आराम से करके बताता हूँ। और मुझे कुछ एक व्यूज़ ने कहा तेज़ बोला करें या आप जल्दी जल्दी बताया करें, लेकिन बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़ मुझे फरमाइश करते हैं कि जैसे आप समझाते हैं वैसा कोई दूसरा और कोई नहीं समझाता, और उनको मेरा ये बताने का तरीका ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं आराम से बोलकर और आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई टीचर छोटे बच्चों को बताता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये समझाने का बताने का तरीकाकार भी समझ आया होगा और आपको मेरी ये वेबसाइट भी पसंद आई होगी और ये सारे स्टेप्स समझ आए होंगे। दोस्तों अगर समझ आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इससे लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं और अच्छी से अच्छी वेबसाइट आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो मेरे अपने सभी न्यू व्यूअर से भी गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल मनी फॉर ऑल पीपल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल मनी फॉर ऑल पीपल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।